हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुकुलम लाइव। इस न्यू सीरीज में क्लास 12 जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स हैं, जिस भी सिलेबस में है, वो चाहे जेके बोर्ड है, चाहे सीबीएसई है, चाहे फिर वो आईसीएसई है, जिन भी सिलेबस या करिकुलम के अंदर एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स हैं, उन सारी सीरीज को, सारी टेक्स्ट बुक्स को और विद राइटिंग स्किल्स पूरे सिलेबस को इस सीरीज के अंदर डिस्कस किया जाएगा एक एक करके। तो सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं स्टार्टिंग में आपको इस पूरी इंग्लिश का जो सिलेबस है उसका एक ब्लूप्रिंट का मैं आपको एक ओवरव्यू पूरा दिखा देता हूं कि हमारा जो फाइनल बोर्ड एग्जाम है वो किस टाइप से आना है, उसमें कितनी सेक्शंस होने वाली हैं, कौन सी सेक्शन में क्या पूछा जाएगा और कौन सी सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, ये सारी स्ट्रेटेजी जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में इंग्लिश के पेपर में जो टाइम जो हमें कम बचता है, जो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है, उसकी भी मैनेजमेंट की बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट सेशन में। बट उससे पहले ये ब्लूप्रिंट को देख लेते हैं। आप यहां पर स्क्रीन पर मेरे साथ देखते रहेंगे, मैं आपको एक एक करके बता देता हूं इसको। सबसे पहली बात, जो फाइनल पेपर आएगा बोर्ड्स में वो आएगा हमें 80 मार्क्स का। मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं, 20 मार्क्स की आपको आनी है इंटरनल असेसमेंट। उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट टीचर है, जिस भी स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको वहां पर वेल डिसिप्लिन्ड होकर के रहना है और आपका बिहेवियर बहुत अच्छा रहना चाहिए। टीचर की नजर में आप बहुत सोबर और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होने चाहिए। बस वो 20 मार्क्स आपको स्कूल से मिलने हैं, आप टीचर से मिलने हैं। रही बात 80 मार्क्स की, जो थ्योरी आपको आनी है, मैं उस 80 पार्ट वाले सेक्शन को पूरी को यहां पर बता दे रहा हूं आपको। तो हमारी टेक्स्ट बुक दो है, फ्लेमिंगो और साथ में विस्टास। तो पेपर की जो सेक्शन ए रहने वाली है वो रहेगी हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अनसीन पैसेज आना है 400 to 500 वर्ड्स का। क्लियर, हम जब पेपर ओपन करेंगे, हमारी सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक लंबा सा पैसेज आना है हमें 400 to 500 वर्ड्स का। उस पैसेज को हमने क्या करना है, उसकी रीडिंग करके हमें नोट मेकिंग और साथ में समरी राइटिंग, ये 5-5 मार्क्स के दो टॉपिक्स, दो जो उसके जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, वो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करने हैं। क्लियर, तो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑफ 10 मार्क्स, 5-5 मार्क्स के दो पार्ट होने हैं, नोट मेकिंग और समरी राइटिंग। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो टॉपिक्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा, नोट मेकिंग को और साथ में समरी राइटिंग को। कैसे होती है बात करेंगे वीडियोस में। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा सेम सेक्शन में, वो भी हमें अगेन एक पैसेज आना है 400 to 500 वर्ड्स में। उस पैसेज के लास्ट में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन एक मार्क का होगा। हमारी पैसेज की रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हमें वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। तो इस तरह से हमारी जो सेक्शन ए है उसमें 2 क्वेश्चन हैं 20 मार्क्स के, जो पूरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होंगे। क्लियर, अब चलते हैं सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन बी का नाम है राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। ये टोटल सेक्शन हमें आनी है 30 मार्क्स की। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो आएगा शॉर्ट राइटिंग स्किल्स के ऊपर बेस्ड, या तो एडवर्टाइजमेंट आनी है उसके, और में फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल इन्विटेशन आ सकता है, और या फिर हमें इन्विटेशन का रिप्लाई लिखना आ सकता है। अब ये एडवर्टाइजमेंट्स को कैसे लिखा जाता है, इन्विटेशंस को कैसे लिखते हैं, सभी टॉपिक्स को हम आने वाली वीडियोस में सेपरेटली एक एक करके डिस्कस भी करेंगे, साथ में इसकी सॉल्विंग प्रैक्टिस भी करेंगे, सब कुछ एक एक करके हम इसको देखेंगे आगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आना है सेक्शन बी में, 1 out of 2 क्वेश्चंस ऑन लेटर राइटिंग, फॉर्मल या फिर बिजनेस लेटर्स जो होते हैं, हमें एक लेटर आना है और ये क्वेश्चन होगा 6 मार्क्स का। ध्यान देना, इसकी वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स के आसपास रहने वाली है, क्योंकि 6 मार्क्स का लेटर होगा कंप्लीट फॉर्मेट के साथ, और इसके साथ साथ में जो वर्ड लिमिट है, हमें दोनों बातों का ध्यान रख के अच्छे लेआउट में, अच्छे सीरीज में, अच्छे स्ट्रक्चर के साथ इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना होगा, करेंगे प्रैक्टिस की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 out of 2 क्वेश्चन ऑन राइटिंग रिज्यूमे अलॉन्ग विद जॉब एप्लीकेशन, हमें फिर से एक जॉब एप्लीकेशन टाइप का लेटर लिखना पड़ेगा, और इसको जॉब एप्लीकेशन या फिर इसके साथ में रिज्यूम भी लिखा जाता है, तो ये दोनों पार्ट्स एक ही क्वेश्चन के होते हैं। ये क्वेश्चन भी हमें आना है 6 मार्क्स का। क्लियर, इसकी भी प्रैक्टिस होगी, सेम वर्ड लिमिट है इसकी भी, इसकी लेंथ भी उतनी ही रखनी है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन 6-6 मार्क्स के होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है इसी सेक्शन में हमारा, 1 out of 2 कंपोजिशन ऑन राइटिंग आर्टिकल, डिबेट, स्पीच, पर्सनैलिटी प्रोफाइल, पर्सनल एक्सपीरियंस, ह्यूमरस राइटिंग। एक लॉन्ग राइटिंग स्किल्स में हमें या तो आर्टिकल लिखना होगा, या फिर डिबेट लिखना होगा, या फिर किसी की पर्सनैलिटी प्रोफाइल को हमें डिस्कस करना होगा, तो लगभग 2 to 250 वर्ड्स के बीच में हमें ये क्वेश्चन भी लिखना होगा।
इसमें सबसे मेन टॉपिक है आर्टिकल राइटिंग। मतलब अगर हमने आर्टिकल को प्रिपेयर कर लिया तो उसके बाद फिर हमें ये बाकी वाले कुछ करने की जरूरत है नहीं है खास, क्योंकि आर्टिकल मैक्सिमम आता है क्वेश्चन के अंदर। तो प्रिंसिपल टॉपिक जो है वो हमारा आर्टिकल है, कैसे लिखा जाता है, बहुत सिंपल है ये, इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सेक्शन में होने वाला है, वन पैसेज 100 to 150 वर्ड्स इन लेंथ फॉर एडिटिंग टू टेस्ट द फॉलोइंग आइटम्स। हमें एक ना 100 से 150 वर्ड्स के बीच की लेंथ का हमें एक पैसेज आना है, उसमें हमें क्या चीज डिस्प्ले करनी होगी। देखो उसमें कुछ एरर्स छोड़ी गई होंगी डेलिबरेटली, ठीक है, उस क्वेश्चन में कुछ गलतियां छोड़ी गई होंगी पूरे पैसेज के अंदर, हमने उन मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना है और उनको करेक्ट करके अपने आंसर बुक में लिखना होगा। इस प्रोसेस को एडिटिंग कहा जाता है। उस पैसेज को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की मिस्टेक्स छोड़ी जा सकती हैं उसके अंदर, इसके साथ में टेंसेज की, पंक्चुएशन, नरेशन, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस एंड चेंज ऑफ वॉइस, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, इनके अकॉर्डिंग, इनके बेसिस पर वहां पर कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, हमें वो सारी मिस्टेक्स करेक्ट करनी होगी। क्लियर? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा मार्क्स इस क्वेश्चन के आने हैं पेपर के अंदर, मतलब इतने ज्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन कोई भी नहीं होगा। वेटेज सबसे ज्यादा इसी की है राइटिंग स्किल्स के अंदर। आपको सिर्फ 8 वर्ड्स को करेक्ट करना है और आपको 8 मार्क्स मिलेंगे विदाउट एनी डिडक्शन। क्लियर? तो इसमें बड़े आसान से टॉपिक होते हैं, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको आदत डलती जाएगी, और साथ में मिस्टेक्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं आप बिना किसी रूल के, बिना ग्रामर के, डेप्थ नॉलेज के भी आप क्या कर सकते हो इस एडिटिंग को। 8 में से 5-6 मार्क्स तो सारे लोग ले ही जाते हैं बड़े आराम से। क्लियर? इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आएगी सेक्शन सी, हमने जो 2 टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है, हमारी विस्टाज और साथ साथ में फ्लेमिंगो, इन दोनों टेक्स्ट बुक्स के जो हमारे जो लिटरेचर पार्ट है इसका, उसमें से हमें क्या आना है, तो सेक्शन सी में वो देख लेंगे आप। यहां पर सबसे पहले 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 4 फ्रॉम 1 पोइट्री एंड 4 फ्रॉम द प्रोज एक्सट्रैक्ट टू असेस कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन। देखो हमें एक पैसेज आना है प्रोज सेक्शन में से और एक स्टेंजा हमें आएगा पोइट्री सेक्शन में से। क्लियर? 4-4 क्वेश्चन दोनों में पूछे होंगे, एक एक नंबर के। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जब भी लेसन को पढ़ना है या फिर पोइट्री को पढ़ना है तो हमने स्टेंजा वाइज उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ थोड़ा डिटेल में पढ़ना है उसको। क्लियर? सो दैट जब हमें स्टेंजा आए तो हमें ये पता लग जाए कि ये कौन सी पॉइंट से उठाया गया है। क्लियर? और जब हमें किसी लेसन के बीच में से कुछ लाइन्स उठा करके पूछी जाए तो हमें ये भी कन्फर्म हो जाए कि ये कौन से लेसन की लाइन्स है। क्लियर? उसके लिए आपको क्या करना है, लेसन की जो रीडिंग है उसको थॉरली करना आपने। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है 5 out of 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोज, ड्रामा, पोइट्री फ्रॉम बोथ टेक्स्ट्स टू असेस इन्फेरेंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। हमारी जो दोनों टेक्स्ट बुक्स हैं फ्लेमिंगो और साथ साथ में विस्टास, दोनों के जो लेसन हैं उनमें से हमें 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। 7 में से हमें कोई 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ये हमें लेसन की रीडिंग पर बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये मैक्सिमम ये बुक के अंदर से आते हैं, पर फिर भी हमें प्रिपेयर रहना कि वो बाहर से भी आ सकते हैं। शायद जो हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें से ना पूछ करके लेसन के अंदर से क्वेश्चन बना करके पूछे जा सके। एक हमें फ्लेमिंगो वाली बुक में से सभी लेसन्स में से किसी एक लेसन का कोई एक क्वेश्चन हमें पूरी बुक में से आना है, लॉन्ग आंसर में हमें उसकी जो आंसर है वो लगभग 150 वर्ड्स में देना रहेगा, और ये 6 मार्क्स का होगा। ये क्वेश्चन 2 आएंगे असल में पूरी बुक में से, तो दोनों में से जो हमें अच्छा आता है हमें वही अटेम्प्ट करना है। और इसकी वर्ड लिमिट कितनी रहेगी, 150 वर्ड्स। मतलब जो आपकी आंसर शीट होती है ना, आंसर शीट का एक कंप्लीट पेज एक साइड से और दूसरी साइड से उसका हाफ पेज, तो आपकी ये वर्ड लिमिट पूरी हो जानी है 6 मार्क्स का। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा, 11 क्वेश्चन होगा, 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम विस्टास टू असेस ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन। पूरी विस्टास बुक में से 2 क्वेश्चन फिर हमें आने हैं लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है? 2 में से हमें कोई एक अटेम्प्ट करना होगा, और इस तरह से हमारे 80 मार्क्स होते हैं कंप्लीट। कैसे कैसे ब्रेकअप किया, जो सेक्शन ए है वो है 20 मार्क्स की प्लस 30 मार्क्स की राइटिंग सेक्शन, 30 + 20 50 हो गए, और 30 मार्क्स की हमें आनी है सेक्शन सी, लिटरेचर सेक्शन जो हमारी बुक में से आनी है। इस तरह से 50 + 30 टोटल हो गए 80 मार्क्स, और जो बचे हुए 20 मार्क्स हैं वो आपको मिलेंगे आपके टीचर से, आपके स्कूल से। क्लियर? अब बात करते हैं कि इंग्लिश के पेपर में जो टाइम हमारा ज्यादा कंज्यूम होता है उसको हमने कैसे अवॉइड करना है। तो बेटा सबसे ज्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन है वो होती है सेक्शन ए,
जो रीडिंग सेक्शन है, क्योंकि आपके पास लंबे लंबे दो पैसेज आते हैं, आपको उनको पढ़ना होता है, उनको समझ करके बीच में से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, क्लियर। उस वाले सेक्शन पे आपने टाइम कम कंज्यूम करना है, जितना जल्दी हो सके आपने उतना जल्दी उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्लियर। और अगली बार आप जब पेपर फाइनल में जाने से पहले जब प्री बोर्ड्स को अटेम्प्ट करो, उसमें कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके देखना, अगर आपके टाइम सेविंग में कुछ बेनिफिट आपको मिलता है तो जरूर बताना हमें। और इसके बाद अब एक एक लेसन की आपको कंप्लीट समरी मिलने वाली है अंडरस्टैंडिंग के साथ। थैंक यू।